बिना विचारे जो करे। एक दयालु पंडित एक बार एक छोटे से नेवले को उसकी मरी हुई माँ के पास रोता हुआ देखता है। अरे रो मत, मैं तुझको अपने घर ले चलता हूँ। अरे देखो भगवान, मैं क्या लाया हूँ। अरे नेवले का बच्चा? हाँ, अपने बच्चे के साथ साथ तुम अब इसकी भी देखभाल करना। क्यों नहीं, जरूर करूंगी। वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बड़े पसंद हैं। समय के साथ साथ नेवले का बच्चा भी पंडित के बच्चे के साथ खेलते खेलते बड़ा हो गया। हालांकि मैं इस नेवले के बच्चे से बड़ा प्यार करती हूँ, लेकिन है तो जंगली जानवर ही। अपने बच्चे को इससे बचा कर रखना होगा। मुझे हमेशा सावधान रहना होगा और अपने बच्चे को इस नेवले से बचा कर रखना होगा। मैं पानी लेने जा रही हूँ। आप ध्यान रखना कि नेवला हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। तुम बेकार की चिंता करती रहती हो। वो अपने भाई को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? कुछ देर बाद। बाजार जाने का समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए। पंडित के जाने के बाद अचानक से वहां पर एक सांप आ जाता है। अरे सांप, ये मेरे भाई को काट लेगा। नेवला सांप पर आक्रमण करते हुए। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नेवला सांप को मार डालता है। अरे वाह, मैंने इस सांप को मार डाला। मुझे माँ को बताना चाहिए कि मेरा भाई सुरक्षित है। वो आ रही है माँ। जब वो मेरी बहादुरी के बारे में जानेगी तो बड़ी खुश होगी। पंडिताइन नेवले के शरीर पर लगे खून को देखती है। ये खून कैसा? निर्दयी, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। ये ले एहसान फरामोश, तुम्हारी यही सजा है। पंडिताइन नेवले को मार देती है। उस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला होगा। हाय मेरा बच्चा, मैं यहाँ से गई ही क्यों। पंडिताइन घर के अंदर मरे हुए सांप को देखती है। अरे सांप, नेवले के मुंह पर सांप का खून था। ओह, मैंने गलत समझा था। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। मैं नेवले के मुंह पर खून देखकर तुरंत ही इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंच गई।